हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ बिजूरी, तीन लोको पायलट सर लोग का इंटरव्यू लेने आया हूँ, ताकि आप लोग जो कैंडिडेट्स तैयारी करेंगे फ्यूचर में असिस्टेंट लोको पायलट की एग्ज़ाम की, ठीक है, तो उस तैयारी उसको किस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे, सर लोग से इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, इनकी जॉब प्रोफाइल पूछेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सर, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम दीपक तिवारी है जी। मैं रीवा का रहने वाला हूँ जी। मैं इस समय सहायक लोको पायलट के पद पर बिजूरी में कार्यरत हूँ जी। जी सर, आपका? हाँ, मेरा नाम वेद बेदी है, मैं भी रीवा से ही हूँ जी, और मैं इस समय बिजूरी लॉबी में जी ALPD पोस्ट में हूँ। सर, आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है जी, मैं भी बिजूरी लॉबी में ही हूँ जी, असिस्टेंट लोको पायलट जी, और मेरा घर यही बिजूरी में। अच्छा, आप लोग? मैं लोकल ही हूँ जी। जी सर, तो आप लोग तैयारी कैसे किए सर? आप सबसे पहले तैयारी के लिए बेसिकली कुछ बुक्स हैं जी, और उसमें जैसे ल्यूसेंट है और ल्यूसेंट का वर्क बुक है जी। जी उसके साथ वर्क बुक के साथ साथ जैसे साइको का बुक था, तो एक अरिहंत का साइको का बुक था जी। जी प्लस रेगुलर आपको टेस्ट प्रैक्टिस करते रहना है, एक टेस्ट बुक का ऐप है, उसमें हम लोग रेगुलर टेस्ट देते रहते थे जी। सर, आप लोग की मैथ्स रीजनिंग कितनी स्ट्रांग थी और किस हिसाब से आप लोग क्वालिफाई किए, मतलब मैथ्स रीजनिंग के बदौलत और जीके के बदौलत? देखिए, मैथ रीजनिंग अगर आपको रेलवे में आना है तो मैथ रीजनिंग आपको काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए मैं रेगुलर एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है SSC CGL के नाम से जी, तो वही मैं इसके लिए भी यूज़ करता था, वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हैं जी। जी तो मैथ रीजनिंग का काफ़ी योगदान रहता है, और स्टैटिक जीके ऐसा रहता है रेलवे में कि कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ से पूछेगा जी। जी इसलिए आप स्टैटिक जीके के बेसिस पे रेलवे में नहीं आ सकते जी। जी मिस्टर द्विवेदी सर, आप बताएंगे कि CBT 1 CBT 2 और इन दोनों एग्ज़ाम की कैसे तैयारी की है? जी, सबसे पहले मैंने तो यूट्यूब चैनल पढ़ा वाईफाई स्टडी जी। जी मैंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी तैयारी उसी से की वाईफाई स्टडी से जी। वाईफाई स्टडी ने ही मुझे मैथ और रीजनिंग पढ़ाई। मैथ और रीजनिंग मेरे, सच बोल रहा हूँ, तारीफ नहीं हो रही मेरी, अच्छी थी जैसे तिवारी जी ने बताया कि रेलवे में भी आना है तो मैथ अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैथ में आपको ईजी से लेकर टफ तक जाना है जी। जी और यूट्यूब से मैंने पढ़ा था, मैक्सिमम मैंने अपनी तैयारी यूट्यूब से पढ़ी है। मिस्टर राहुल सर, आप बताएंगे कि CBT 1 में और 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते, कितने परसेंटेज में क्वालिफाई करते कैंडिडेट्स? अप्रॉक्सीमेटली 60% या 60% से अबव ही लाना पड़ता है जी। वो डिपेंड करता है कि उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं, कि इसमें सिंपल ही रहते हैं। अपन को यहाँ पे मैटर ये कर जाता है कि अपन ने जो अपन को आता है जी उस पर कितना स्कोर कर रहे हैं जी। जी। कभी कभी ये होता है कि अपन ओवर कॉन्फिडेंट में जो स्कोर लाना चाहिए जी, जी। जो कर सकते हैं हम उस पर गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम में ये करना है कि जो सिंपल क्वेश्चन है उसको गलत नहीं करना है। बिल्कुल हाँ। और अपना टारगेट ये रखना है कि CBT 1 या CBT 2 में 60% या 60% से अबव लाना है। सर, तो टोटल CBT 1 कितने मार्क्स की होती है? 70 जो था 70 नंबर था जी, और CBT 2 जो हुआ था उसमें दो पार्ट थे, दो पार्ट, पहला नॉन टेट, दूसरा टेट। अच्छा। टेट वाले में पास होना था, मतलब 33% चाहिए थे उसमें, और नॉन टेट वाले से जो भी आप आया जी जी उसका 70% लिया जाता है सिर्फ। अच्छा। जैसे आप 70 आए तो 49 नंबर, और जो 30 बचा है वो CBT 3 से लिया जाता है, और फिर दोनों तो जोड़ते हैं, फिर फाइनल मेरिट उससे बनती है। जैसे हम बिलासपुर डिवीजन में है तो बिलासपुर डिवीजन की जनरल 73 था, और जैसे हमारे बगल में WCR है, WCR था 74 जी, ये टॉप लिया था जी। सर, आपने साइको की तैयारी कैसे की, साइको परीक्षा की? साइको के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला था ऑनेस्टली, 15 दिन का टाइम था जी, तो जी। उसमें मैं रेगुलर प्रैक्टिस जो किया था वो लगभग 15 दिन टेक्स्ट बुक ऐप से ही किया था जी, जी। साइको के लिए, और एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की साइको की ही जी, उसी नाम से जी, तो उस बुक को मैंने पूरा कंप्लीट किया था। और इससे था कि सर, मतलब अगर हम लोग इस बुक से पढ़ाई करेंगे तो चांसेस रहते हैं कि, मतलब मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, क्योंकि मेन साइको का मतलब ही होता है आपको 5 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, तो आपका फोकस कितना अच्छा रहेगा जी, आप कितना जल्दी किसी क्वेश्चन में क्लिक कर पा रहे हो जी। जी जी तो साइको का मतलब ही है कि आपका मेंटली आप कितना प्रिपेयर है किसी चीज़ के लिए। सर, आप सभी की ज्वाइनिंग कौन से, मतलब ईयर में हुई है?
2019 9 सितंबर 2019 हमारा ज्वाइनिंग डेट था। अच्छा 9 सितंबर 2019 जी जी। तो सर विवेक सर आप ये बताएंगे कि जब सीबीटी 1 की और सीबीटी 2 और फिर साइको ये जब तीन स्टेजेस थे चल रहे थे तीन चरण में जब चल रहे थे तो आपको कितना मतलब टेंशन हो रहा था कि जॉब मतलब मिल पाएगी कि नहीं? ये टेंशन तो होता है बट तैयारी अच्छी थी अपना और सीबीटी 1 में अच्छे नंबर आए, सीबीटी 2 में अच्छे नंबर आए थे तो चांसेस थे बट वही जब तक फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता बिल्कुल तब तक टेंशन में रहते हैं उस समय। जी सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। जी जी मैं 2016 पास आउट हूँ। जी सर बीटेक कहाँ से किए हैं आपने? बीटेक मैं श्रीनगर से किया था, एनआईटी श्रीनगर से। बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। सर आपकी? मैं भी बी हूँ, मैं रीवा जीसी से पढ़ा था। रीवा जीसी मैं भी बी किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से इंदौर SGSITS। विवेक सर आप बताएंगे कि इस ALP पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगती है? इसलिए टेक्निकल चाहिए मिनिमम जो है वो इसलिए ITI चाहिए। ITI टेक्निकल चाहिए, 12th plus ITI चाहिए और यदि 12th plus ITI नहीं है तो 10th पर जो पॉलिटेक्निक होती है डिप्लोमा बेस वो चाहिए। अच्छा सर अब आप लोग ये बताएंगे कि ALP जॉब प्रोफाइल जो होती है ठीक है क्या क्या आप लोग का मतलब कितने घंटे की आप लोग की ड्यूटी होती है सर अगर कोई फिक्स अगर बात की जाए कि 8 to 10 hours? एक्चुअली ड्यूटी आवर 8 ही घंटे माना जाता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप सेक्शन में कहीं हैं, अगर आप उस टाइम पे रिलीफ नहीं हो पा रहे हैं जी तो मैक्स टू मैक्स आपको 10 घंटे में रिलीफ करा दिया जाता है जी। उसके बाद 16 घंटे का आपको रेस्ट दिया जाएगा। अच्छा 8-10 घंटे ड्यूटी के बाद 16 आवर्स की रेस्ट। सर आप सैलरी के बताएंगे के बारे में बताएंगे कि सैलरी कितनी होती है? नहीं ये रेलवे में ALP में सैलरी अच्छी है जी। अभी हमारा साल भर हुआ जैसे 9 सितंबर 2019 हमारी ज्वाइनिंग थी जी जी और हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई है 9 मार्च 2020 जी। अभी साल भर होने वाला है जी जी बट 50 एवव हमारी सैलरी आ रही है, 50 से ऊपर आ रही है सैलरी समय। अच्छा, ALP में सैलरी अच्छी है, रेस्ट अच्छा है, ये चीज़ है इस जॉब में बहुत बढ़िया है जी जी। अब पैसे हैं इस जॉब में अच्छे जॉब अच्छे पैसे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स लोग इसी बात से मोटिवेट होंगे क्योंकि इसमें पेमेंट अच्छी है, सैलरी अच्छी है जी जी। राहुल सर आप ये बताएंगे कि फैसिलिटीज़ जैसे कि मेडिकल की फैसिलिटीज़ पास वगैरह क्या क्या मिलती है और जब आप लोग एक जगह से जब दूसरी जगह आप लोग जाते होंगे मतलब गाड़ी लेके इंजन लेके तो आप लोग को वहाँ भी आप लोग को खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है वहाँ पे? यहाँ पे से जैसे हम लोग गए यहाँ पे सूरजपुर, सपोज भी हम लोग सूरजपुर गए, सूरजपुर गए वहाँ पे हम लोग को रेस्ट करने के लिए एक रूम मिलता है जी। वहाँ पे खाने को खाने के लिए कैंटीन वगैरह मतलब खाने के लिए वहाँ पे बनाने वाले रहते हैं जी जी। वो बना के देते हैं और उसके बाद हम लोग वहाँ पे जैसे कि यहाँ से गए 8 घंटे ड्यूटी करें 6 घंटे वहाँ पे हम लोग को रेस्ट मिलता है, देन खाना वगैरह खाएं फिर रेस्ट किए फिर उसके बाद अपन आ गए। ये हो गया अपन की रनिंग ड्यूटी में। अच्छा रनिंग ड्यूटी। उसके बाद फिर हो गया मेडिकल, मेडिकल में अपन को जो अपने ऊपर डिपेंड हैं उनको और हमको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं और उसके अलावा पास मिलते हैं हमको, पास एक पास होता है ईयर में एक पास और तीन PTO मिलता है। अच्छा सर कौन सी पास रहती है? वो स्लीपर की होती है, एसी की होती है? सेकंड एसी की होती है। ठीक है बहुत अच्छा है सर। सर आप ये बताएंगे कि प्रमोशन असिस्टेंट लोको पायलट का प्रमोशन लोको पायलट में कितने इयर्स में हो जाता है? डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होता है, LPD बनता है जी। पहले ALP से आप सीनियर ALP बनते हैं जो 2.5 से 3 साल में बन जाते हैं जी। और सीनियर ALP बनने के बाद मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि मिनिमम सैलरी आपकी 60 से 65 हजार हो जाती है। अच्छा सीनियर ALP 60 से 65 हजार रुपये मिनिमम मिलती है उसे और जब फिर उसे 2 साल बाद यानी ज्वाइनिंग 5 साल में आप ALP बन जाते हैं। अच्छा ALP बनने के बाद आपकी सैलरी 30 बने तो 80 से 90 हजार मिनिमम इतना बन जाता है लोको पायलट में सैलरी इतना बन जाता है जी जी। सर आप ये बताएंगे कि जब भी आप लोग फैमिली में जाते होंगे अपने घर साइड जाते होंगे ठीक है तो आप लोग का वहाँ पर क्या रेस्पॉन्स रहता है, फैमिली का जो रेस्पॉन्स रहता है क्योंकि काफ़ी खुश होते होंगे फैमिली वाले लोग, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देते होंगे, मोटिवेट करते होंगे? देखिए रिस्पॉन्स तो अच्छा रहता ही है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा यार घर पहुँचेगा तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता ही है। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ है कि एक जो अनएम्प्लॉयमेंट का टैग होता है ना वो सबसे ख़राब चीज़ होती है। बिल्कुल। जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस टाइम भी इस चीज़ से डरते थे, आज भी डरते हैं जब उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा लगता है घर जब जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। सर अभी आप लोग के काफ़ी दोस्त लोग इस वीडियो को देखेंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, जो आप लोग के साथ तैयारी किए होंगे
ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग को ये फीलिंग तो होती होगी कि सर कम से कम हम लोग अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड होगा और साथ में आप लोग रेलवे के सेंट्रल एम्प्लॉय होगा और काफ़ी अच्छे पोस्ट में, वहाँ पर आप लोग को ये फीलिंग तो होती ही होगी। बिल्कुल होती है, और उनके लिए दुख भी होता है, अपने लिए भी खुशी भी होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है ना जैसे वो लोग उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, हम लोगों ने किया। बिल्कुल, जब पेपर दे रहे थे तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने कोशिश की कि जितने भी क्वेश्चन किए जाए सही क्वेश्चन किए जाए, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाए, क्योंकि उसका नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। शायद उन लोगों ने उस चीज़ में गलती की, या हो सकता है कि क्योंकि नॉलेज लगभग सबको एक ही जैसा हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा उन लोगों को सुधार करने की ज़रूरत है। जितना भी आप करें अच्छे से करें, और जितना आपको पता है बस उतना ही करें। अच्छा, ओवरऑल आपको नॉर्मलाइजेशन में आपको बराबर कर ही दिया जाएगा। अच्छा अच्छा सर, यहाँ पर से ये बात निकल के आई कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय काफ़ी अच्छे से आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट को ध्यान दिए होंगे, तब जाके यहाँ क्वालिफाई किए हैं आप लोग। बिल्कुल, तो सर आपने कितने स्टडी आवर्स अपने टाइम दिए? यार ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने तो बहुत पढ़ा था। अच्छा। मैं मेरा स्टडी आवर्स 14 घंटे होता था दिन भर। अच्छा। मैं यूट्यूब से पढ़ता था। बिल्कुल, तो सर, मैं चैनल का नाम आप? मैं वाईफाई स्टडी से पढ़ा है मैंने उसी से पढ़ा है पूरा। बिल्कुल, मैं अपना डेली रूटीन बताना चाहूँ तो मैं सुबह 8 से जी मेरा स्टडी रूम था उसमें आता था। अच्छा, तकरीबन 14 तक मान लीजिए। अब रेलवे टाइम से लेता हूँ, 14 तक पढ़ता था, 14 से 15 मेरा रेस्ट रहता था, खाना खाना उसी टाइम में थोड़ा सा रेस्ट करना, 15 से वापस 8 तक पढ़ता था मैं। अच्छा, उसी बीच में पापा आते थे घर में तो थोड़ा उनके साथ बैठना, फिर 10 से 12 तक फिर मेरा पढ़ता था। सर आपने कितने घंटे की पढ़ाई की? मैंने भी 10 से 12 घंटे तैयारी की थी। अच्छा, एक्चुअली जॉब था नहीं। हाँ, तो थोड़ा मन डर था कि अब मिल पाएगा कि नहीं, तो उस चक्कर में हम और अपने आप को पुशअप करते हैं कि और मेहनत करें। तो मैंने भी 10 से 12 घंटा स्टडी करा था और लाइब्रेरी में की थी मैंने। अच्छा, और मैं बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरी और सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो और लाइब्रेरी में कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करके करना चाह रहे हो तो भी आप इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। कर सकते हैं, और मैंने चैनल फॉलो किया था वाईफाई स्टडी और जीके ट्रिक और जनरल नॉलेज के लिए, और इसके लिए जनरल करंट अफेयर्स के लिए मैंने किया था, कौन सा था न्यूज़पेपर यार, रोजगार निर्माण, रोजगार निर्माण फॉलो किया था मैंने। सर आप ये बताएंगे कि आप लोग की अगर रेस्ट की बात की जाए तो कितने दिन के बाद आप लोग को रेस्ट मिलता है? रेस्ट हम लोगों को एक्चुअली 6 बाद पीरियोडिक रेस्ट दिया जाता है। हर 6 बाद 30 आवर का रेस्ट दिया जाता है जी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग आपकी लॉबी में कैसा है, उस टाइम पे आपकी लॉबी का क्रू स्टेटस कैसा चल रहा है, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है जी। कई बार आप 30 का रेस्ट लगाते हैं उसमें आपको 40 50 भी मिल जाते हैं जी जी, तो वो उस टाइम की वर्किंग की पे पूरी तरह से डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो रेलवे की तरफ से है कि 30 का रेस्ट दिया जाएगा 6 में जी जी, और महीने में 4 का पीरियोडिक रेस्ट दिया जाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि आप लोग को जब मतलब कौन सा लॉबी की बात की जाए, मेन लाइन आप लोग जैसे मान के चलिए अगर आप लोग की पोस्टिंग बिलासपुर तरफ होती तो वहाँ वर्क प्रेशर रहता सर कंपैरिजन टू अदर लाइन में, कहाँ पर आपको बेस्ट लगे? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सीधे सीधे जी, एलपी जॉब ऐसी है जिसमें रेलवे आप पर प्रेशर नहीं डालता है। अच्छा जी, पूरी तो आप लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, पूरा रिलैक्स देता है आप लोग। बिल्कुल, हम लोग साल भर हो रहा, मैं बता रहा हूँ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महीने भर में हमने 15 से ज़्यादा ड्यूटी दी हो। अच्छा, एक ड्यूटी के बाद हमें मिनिमम 1 रेस्ट मिल जाता है। बिल्कुल, पर जैसे मित्र जी ने बताया कि महीने में 4 रेस्ट अलग से मिलते हैं जी जी, तो महीने में 12 से 13 ड्यूटी होती है हमारी, इससे ऊपर ड्यूटी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। और ये जॉब रियली में अच्छी जॉब है, पैसे अच्छे हैं इसमें, रेस्ट अच्छा मिलता है, रिस्पेक्ट है जी, ये अच्छी चीज़ इसमें जी। राहुल सर आप ये बताएंगे कि आपको लोकल होने का कुछ फ़ायदा मिलता है, मज़ा आता होगा लोकल में फैमिली के साथ? बहुत अच्छा लगता है। मेरे को देर से ही मिला लेकिन मेरे को अच्छा जॉब मिला। अच्छा, यहाँ पे अपने दोस्त यार फ्रेंड्स मतलब घर वालों के साथ रह रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके पहले जॉब नहीं था तो लोग कई लोग के मन में था कि कुछ कर नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे आके लोकल पे आके अच्छा लगा मेरे को, और एक घर पे एक टाइम व्यतीत कर सकते हैं घर वालों के साथ,
वो अच्छा है। आपसे काफ़ी मोटिवेट होते होंगे आसपास के आपके हाँ, फ्रेंड्स सर्कल? अभी कई अभी मैं यहाँ पे आया तो कई मेरे फ्रेंड्स के भाई छोटे भाई वो देखते हैं कि ये भैया असिस्टेंट लोको पायलट हैं, तो उनको भी अब लग रहा है कि हम भी ये करेंगे, हम भी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करेंगे। वो भी अभी भी पूछते हैं, कहीं जाता हूँ तो पूछते हैं कि भैया आपने कैसे तैयारी कर। मैं भी बताता हूँ उनको समय समय पर कि ये करो, ये चीज़ें करनी चाहिए, उनको उस स्टेज पर वो चीज़ें समझाता हूँ। बिल्कुल सर, अब बात की जाए आप लोगों की ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग कितने महीने की होती है और क्या क्या सिखाया जाता है मेनली आप लोग को? ट्रेनिंग एक्चुअली ट्रेनिंग के नंबर ऑफ डेज 103 होते हैं। जी जी। जिसमें पहले आपकी दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एक SWR होती है और एक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। जी जी। SWR के लिए डिपेंड करता है कि SWR आपका जोन जो है वो करवा रहा है या आपको अदर जोन में भेजता है, लेकिन टेक्निकल ट्रेनिंग जो है हम लोगों की बिलासपुर में ही हुई थी टेक्निकल ट्रेनिंग। जी जी। और टेक्निकल ट्रेनिंग लगभग 2 महीने की होती है, 2 से 2.5 महीने की, और लगभग 1 से 1.5 महीने की होती है हमारी SWR। सर SWR मींस मेरे ख्याल से शॉर्ट वेल्डेड ड्रिल है क्या? नहीं, सेफ वर्किंग रूल होता है जो हम लोगों को बताया जाता है कि आपको वर्किंग के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे करना है वर्किंग, वो आपको इंजन के अलावा जो चीज़ें ट्रैक में होती हैं उसके बारे में नॉलेज देता है। जी। मिस्टर विवेक सर, आप ये बताएंगे कि जब आप गाड़ी चलाया रहते हैं और जब इंजन में रहते हैं तो वहाँ पर सर कभी डर लगता है कि जैसे आप जब पुलिया वगैरह पुल क्रॉस कर रहे हैं बड़े पुल, वहाँ पर कुछ डर लगता है? क्योंकि हम लोग एज ए जेन्युइन हम लोग देखते हैं भाई गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ हो डर टाइप का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे इंजन के अंदर सभी फैसिलिटी रहती है, इंजन जो है वो अब सेफ है जी, उसके अंदर जब तक आप सेफ है। एक्चुअली इंजन जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ऊपर से जो जाता है ना 25 किलो वोल्ट OHE जाता है, OHE बोलते हैं उसे, जो ऊपर तक जाता है, हाँ OHE रहता है ना, उसे सेफ्टी के लिए भी अंदर में इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। अगर वो टूटा भी ना तब भी इंजन के अंदर आप है ना, आप सेफ है, आप सेफ है। और जैसे अभी तिवारी जी ने बताया ना जो ट्रेनिंग होती है, तो ALP जो ट्रेनिंग होती है ना, तो हमें ट्रेनिंग में स्टेशन मास्टर की भी ट्रेनिंग आती है हमें, अच्छा ALP की भी हमें आती है जी जी। और जरूरत पड़ने में जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं ना, हाँ। वो भी हमें सिखाया जाता है। हाँ। मतलब ALP जो होते हैं वो रेलवे के हर डिपार्टमेंट के बारे में जानता है, हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग उसे दी जाती है जी जी। तो मतलब अब इसीलिए ट्रेन इतनी लंबी होती है जी जी। और रही बात इंजन में डर लगने का, तो डर नहीं होता। देखिए इंजन के अंदर आपके लिए AC है, हीटर है जी जी। आपके अंदर चेयर है, हर चीज़ है आपके अंदर वहाँ पर। जब तक आप अंदर हैं आप पूरी तरह सेफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बात तो कर ली हम लोग ये सब, और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर कि आप लोग को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रहता है कि ट्रेन नहीं रोकना है? क्योंकि काफ़ी लोग का ये डाउट रहता है कि और कितने डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेन रुक सकती है। मतलब आप लोग अगर देख लिए कि कुछ बड़े जानवर सामने आ रहे हैं ट्रैक में, सपोज ऐसे जोन में जैसे पिंटर रोड तरफ हाथी वगैरह चलने का कुछ ऑप्शन होता होगा या भालू वगैरह, तो उस केस में आप लोग को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ट्रेनिंग में? इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है कि वो अगर हॉर्न से हो रहा हो तो अगर वो साइड हो जाए तो ठीक है जी, अदरवाइज नहीं हो पाता है तो हम अप्लाई करते हैं ब्रेक, अगर उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर यहाँ से हम अप्लाई करते हैं तो 500-600 मीटर आगे जाके रुकती है, इमीडिएट अगर हम चाहेंगे किसी गाड़ी को रोकना तो नहीं रुक पाएगा। अच्छा सर, जैसे कि जो ट्रैक मेंटेनर लोग रहते हैं उन लोग जब फटाके लगाते हैं तो आप लोग को कैसा मतलब जर्क फील होता है, क्या फील होता है कि आप तुरंत गाड़ी को मतलब फिर एक्शन लेते हैं फिर रोकने के लिए? देखिए अभी तक हम लोगों का लेंथ ऑफ सर्विस इतना तो हुआ नहीं है कि ये चीज़ एक्सपीरियंस किए हों। अच्छा अच्छा। लेकिन जो है कि आवाज़ आती है काफ़ी तेज़ी से आवाज़ आएगी कि हमको कुल मिला के पटाखे इंडिकेट करते हैं कि आपको रुकना है, आगे डेंजर है, इसीलिए पटाखे लगाए जाते हैं और बस वही फील होता है जी जी, और कुछ नहीं होता, कोई हार्म नहीं होता। जट नहीं रहता जी, जट नहीं होता इंजन में, इंजन पूरी तरह सेफ है। अगर उसके नीचे यदि बताना चाहिए हाथी भी यदि आ जाए ना, अच्छा तब भी आप वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इंजन सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने इंटरव्यू दिलाया सर। और अगर आप बात करना चाहेंगे तो हम मतलब लास्ट में बात ये पूछना चाहूँगा कि जब आप लोग किसी भी कैंडिडेट को मोटिवेट करना हो, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, तो एक लाइन में आप लोग बता दीजिए अपना राय अपना बता दीजिए सर कि अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई करते हैं और तैयारी करते हैं जी, तो पहले तो आप ऑनेस्टली तैयारी करें, लेकिन जब भी आप पेपर देने जाएं तो आप
गलत क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें। अच्छा, बिल्कुल छोड़ दें उनको, और वो चीज आपको फायदा नॉर्मलाइजेशन में कर ही देगा। वो बिल्कुल मैटर है, आपको एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, आपको 90-95% एक्यूरेसी रखनी है। जी जी, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करें लेकिन सही अटेम्प्ट करें। बाकी तैयारी तो आपको ऑनेस्टली करनी ही पड़ेगी, कोई भी एग्जाम आज की डेट में गवर्नमेंट एग्जाम आपको निकालना है तो तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी सर, आपके अरे मोटिवेटली आपने बोला है तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि रेलवे में आने के बाद अपना फ्यूचर सेफ है, प्रेजेंट सेफ है, पैसे हैं, रिस्पेक्ट है, आप इसमें रेस्ट है, हर चीज़ है इसमें। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कब जब भी इसमें एग्जाम देने जाते हैं आप, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो उस तभी उस क्वेश्चन को करें। हाँ, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो अपना ईगो बीच में ना लेके आए। हाँ, अपना ईगो बीच में ना लेके आए कि मैं इसको करके छोड़ूंगा। उसमें क्या अपन क्या करते हैं कि अपना टाइम जो रहता है उस दूसरे क्वेश्चनों को देना चाहिए, वो क्वेश्चन को ना देके हम इस क्वेश्चन को दे देते हैं, उसमें अटेम्प्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं और उसकी वजह से अपन कुछ नंबर से रह जाते हैं। एक पॉइंट है सर, स्किप करना भी एक आर्ट है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप लोग जितना अच्छा स्किप कर सकते हैं और जितना इजी क्वेश्चन के पास पहुंच सकते हैं उतना आपके मार्क्स और एक्यूरेसी और मार्क्स बढ़ने की परसेंटेज बढ़ने की चांस बढ़ जाती है और सिलेक्शन की बिल्कुल चांस सर्टी हो जाती है। तो सर लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना इंटरव्यू दिलाया है और सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी को भी इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिले और सीखने को मिले और अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सर लोगों से काफ़ी मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर। और ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।